सर मेरा नाम है ललित कुमार। मेरे साथ कल है ना एक पेंटर के काम के लिए कॉल आया था, उन्होंने मेरे से इंस्ट्रूमेंट मांगा था, मैंने उसको इंस्ट्रूमेंट दिया था। उसके बाद में फिर है ना मेरे को बोला था मेरे सर से बात कर लेना, जो है ना आर्मी के चीफ है और आर्मी से वो मैं आर्मी का ऑफिसर हूँ। तो उन्होंने बोला था कि है ना जब तक ये यानी काम शुरू नहीं करोगे, काम की डिटेल की बात नहीं करोगे, जब तक मेरे को छुट्टियाँ नहीं मिलेगी, तो आप एक कोटेशन दीजिए। तो मैंने उनको कोटेशन दिया। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है सर, मैं आगे है ना ऑफिस में जमा करा देता हूँ, उसके बाद में सर आपके है ना 10,000 रुपये अकाउंट में डालेंगे, तो आप उनसे बात कर लेना। फिर उनके सर का कॉल आया था, तो उन्होंने ना एक ना बात करी थी मेरे से। उसके बाद में बोला था उन्होंने कि आपसे अनिल जी से बात हुई थी, उन्होंने बोला हाँ, तो बोले उन्होंने 10,000 रुपये आपको पे करने के लिए बोला। तो मैंने कहा ठीक है कर दीजिए आप। तो उन्होंने बोला कि सर मैं आपको एक बारकोड भेज रहा हूँ, उस बारकोड पर आप ना स्कैन करिए, रिसीव करिए, रिसीव करोगे तो आपको 10,000 रुपये पे हो जाएंगे। तो हम मैंने जैसे रिसीव किया तो मेरे को फ़ोन पे वो चालू ही था, फ़ोन लाइन कटी नहीं थी। उसके बाद उसने बोला रिसीव करो, रिसीव किया मैंने तो उसके मेरे पिन लगाते 10,000 रुपये माइनस हो गए थे, आपके माइनस, मेरे माइनस हो गए, उनके आए नहीं, मेरे माइनस हो गए। तो सर उसको बोला मैंने सर ये तो मेरे पैसे माइनस हो रहे हैं, तो बोले सर टेंशन मत लीजिए, मैं आर्मी का चीफ बोल रहा हूँ, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आप है ना ये दोबारा कीजिए, आप जो भी पैसे है वो आ जाएंगे, आपके जुड़ के आ जाएंगे। फिर भी मैंने सोचा ठीक है चीफ साहब बोल रहे हैं, तो मैंने दोबारा किया, दोबारा मेरे वापस 10,000 रुपये कट। कितनी बार पेमेंट मिला? मेरा कम से कम 7 बार पेमेंट हुआ है। टोटल कितना पेमेंट? टोटल हुआ था ये लगभग 70,000 रुपये का। अच्छा, काम किसका था? आर्मी का, यानी आर्मी वाले बनकर बात करी थी मेरे से, आर्मी के कोई क्वार्टर वाटर है उसके यानी पेंट करने के लिए बात हुई थी, पुट्टी और कलर। व्हाट्सएप डीपी में ना अनिल कुमार लिखा हुआ आ रहा है, जो मेन डीपी लगा रखी है। फिर दूसरा एक और उसके चीफ के नंबर आए, तो उस पर प्रधानमंत्री साहब की भी फोटो लगी हुई डीपी पे, और एक जन की और है वो पहचानने नहीं है, मोदी साहब जो है अपने पहचान मारे, बाकी ये दो ही डीपी आई थी, वो दो नंबर आए थे हमारे। क्या मानते हैं आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है? हाँ, ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई है मेरे साथ में। एफ आई आर मैंने साइबर क्राइम में भी करवा दी ऑनलाइन, उसके बाद घर थाना में भी दे दी है मैंने। उसके बाद बैंक वाले थाने वालों ने मेरे को ना वो एफ आई आर की कॉपी बैंक ले जाने के लिए बोला, तो बैंक जाओ आपका पेमेंट आ जाएगा। तो बैंक वालों ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, बोले हम कुछ नहीं कर सकते, ये ऑनलाइन पेमेंट है, अब तो जो साइबर क्राइम वाले करेंगे वही होगा। उसके अलावा मेरा नाम ललित कुमार है।